नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बी टाउन हब चैनल में आज हम बात करेंगे प्रेम की शादी मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देता है कि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों सलमान खान अपनी टाइगर फ्रेंचाइजी की लेकर बहुत ही सुर्खियों में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, दबंग को लेकर बीते दिन एक खबर आई कि उन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए सूरज बड़जात्या संग हाथ मिलाया है और ये टाइगर फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट टाइगर 3 मूवी इसी साल दिवाली के त्यौहार पर 10 नवंबर 2023 को रिलीज हो रहा है और साथ में उनके कैटरीना कैफ भी दिखाई दे रही है और इमरान हाशमी भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद सलमान खान इंशाल्लाह मूवी में दिखाई देने वाले हैं, जिस मूवी को डायरेक्टर दिया है संजय लीला बंसाली ने और इस मूवी में उनके साथ एक्ट्रेस के तौर पर आलिया भट्ट दिखाई देने वाली है। इसके बाद सलमान खान ये टाइगर वर्सेस पठान मूवी करेंगे और इसके बाद वो प्रेम की शादी मूवी में नजर आने वाले है। और सलमान खान ने जो 24 साल पहले सूरज बड़जात्या की ही फिल्म मैंने प्यार किया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, बीते दिन सलमान सूरज के साथ फिल्म प्रेम की शादी पर काम कर रहे हैं। प्रेम की शादी मूवी एक फैमिली ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर मूवी रहने वाली है। प्रेम की शादी मूवी को डायरेक्शन देने वाले सूरज बड़जात्या। सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी ने हमेशा बड़े पर्दे पर कमाल किया है। इस जोड़ी की पिछली सुपरहिट मूवी प्रेम रतन धन पायो थी। साल 2015 में रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। सूरज बड़जात्या और सलमान खान के साथ ये पांचवी मूवी होने जा रही है। तो दोस्तों, आप ये सलमान खान की प्रेम की शादी मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर। और आगे उनसे जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।